गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। उसको उसमें आपको कुछ हमने टर्म्स कुछ होमवर्क करने के लिए दिए थे, ठीक है ना। आज जो है उसको कुछ हाई लेवल पे पढ़ेंगे आपके क्लास के अनुसार। आपके बोर्ड पे हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना। लिखने के बाद क्या किया है, लिखने के बाद इसको हमने देखिए, ये जो हमने तीनों क्वेश्चन लिखा है, तीनों क्वेश्चन आपको होरिजेंटल मेथड में है। किस मेथड में है, होरिजेंटल मेथड में है, याद रखिएगा। ये जो सारे हैं क्वेश्चन है आपको होरिजेंटल मेथड में है, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा जो कॉलम मेथड में होगा। सबसे फर्स्ट अपन आपको हमने ब्रैकेट के बारे में बताया था। ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के पहले अगर आपके पास पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन होता है तो अंदर वाला हूबहू ऐसे ही लिख देंगे। अगर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर से यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदल जाता है, ठीक है ना। इस चीज को अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्व करके, तो इसको तो हूबहू ऐसे ही लिख देंगे 5x + 7। इसके अगर प्लस साइन है अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, +9y + 3x। अब देखिएगा इसको ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ भी सिंगल x है, यहाँ भी सिंगल x है, यहाँ भी सिंगल x है, तो 5x + 7x + 3x + 9y ये हो जाएगा 7 + 5 = 12 + 3 = 15x, और ये +9 सिंगल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस टर्म को देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टर्म को तो हूबहू ऐसे ही लिख देंगे 5x + 7y। लेकिन इसके आगे क्या है, इसके आगे आपके पास माइनस साइन है, तो अगर माइनस साइन है तो अंदर वाला क्या होता है, पूरा का पूरा साइन चेंज कर जाता है, यानी कि -9y - 3x, यानी कि ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 5x है और ये -3x है, और ये आपका 7y है और -9y है, तो 5x में से 3x चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 7y और 9y है, तो 9y माइनस साइन का बड़ा है, ठीक है, और ये +7 है तो ये हो जाएगा 2y, और इसके आगे साइन क्या हो जाएगा, -2y का हो जाएगा, याद रखिएगा -2y का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ठीक है, एक चीज आपको यहाँ से ध्यान से दिखाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम के तरह लिखे, सब्सट्रैक्ट 4xy फ्रॉम -3xy, तो सब्सट्रैक्ट जब भी करने के लिए बोले, ठीक है, तो फ्रॉम के बाद जो डिजिट होता है, याद रखिएगा सब्सट्रैक्ट जब भी करने के लिए बोलेगा तो फ्रॉम के बाद आपका जो डिजिट होगा उसको पहले लिख देते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पहले लिख देते हैं, ठीक है, तो -3xy, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगा देंगे और तब लिखेंगे यहाँ पे 4xy, क्या लिखेंगे, 4xy लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा -xy, माइनस साइन है, अंदर कोई साइन नहीं है तो ये -4xy हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -, यहाँ पे माइनस होगा, और ये कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा, क्या है कि दोनों साइन xy मिल गया, दोनों निगेटिव था तो दोनों आपस में ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद कितना हो गया, 7xy हो गया, ठीक है ना, 7xy हो गया। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को आपको एक किसमें कॉलम मेथड में बता देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम आपको कॉलम मेथड में बता देते हैं। कॉलम मेथड में बता देते हैं, कॉलम मेथड में क्या होता है, उसको रैक की तरह ऊपर और नीचे लिखते हैं। जैसे क्या हो जाता है, आपके पास 5x + 7x है और दूसरा कुछ इसी में क्या है, 9y 3x है, ठीक है ना, 3x है। जैसे एक चीज इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 5x 7y, ऐड कर देते हैं 9y + 3x, इसको हम लोग कॉलम मेथड में बनाते हैं। कॉलम मेथड में बनाते हैं तो 5x + 7y को लिख देते हैं, अब हमारा क्या आता है 9y है, तो y के नीचे हम 9y लिख देते हैं, और क्या है
सेवन एक्स है, थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स लिख देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, एड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका नाइन और सेवन कितना हो जाएगा, सिक्सटीन वाई हो जाएगा, और फाइव और थ्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉलम ये आपका क्या हो गया, कॉलम मेथड हो गया। कॉलम मेथड में क्या किया है हमने, फाइव एक्स प्लस थ्री वाई नाइन वाई प्लस थ्री एक्स को लिखा है, तो हमने रो के अनुसार इसको ऊपर नीचे लिख के और इसको हमने क्या कर दिया है, एड कर दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं एज यूजुअल, और फिर इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो यहां पे क्या है, आपको हमने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, आप किसी मेथड में हॉरिजॉन्टल हो या कॉलम मेथड हो, ठीक है ना, इसको आसानी से बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 7x plus 2y, 3x plus 5y, सारे को ऐड करना है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है 3x minus 6y plus 8z, 2x plus 4y plus 6z है। तीसरा क्वेश्चन है 3yq minus 2y square minus 7y plus 5, 6 minus 4y plus yq minus 5y square, 4y square minus 5yq plus 6y minus 10 है। चौथा क्वेश्चन जो है a cube minus 2a square b plus 3ab square minus bq, 2aq minus 5ab square plus 3a square b minus 4bq है। पांचवा क्वेश्चन है माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई कॉमा टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई कॉमा सिक्स एक्स स्क्वायर वाई है। छठा क्वेश्चन है थ्री ए प्लस फोर बी माइनस माइनस फिफ्टीन सी कॉमा ब्रैकेट में सिक्स कॉमा सिक्स ए प्लस बी है माइनस ट्वेल्व बी माइनस सेवन सी माइनस सिक्स ए है, ठीक है ना। तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको सब्सट्रैक्शन इसमें सिखा देंगे और क्या हो जाएगा, फिर आपको कुछ हम मिक्स प्रॉब्लम देंगे और फिर क्या हो जाएगा, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर जो हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।